लेनिन की मूर्ति गिराए जाने पर आज राजनीति गर्मा गई। लेफ्ट सड़क पर उतर आया। हिंसा पर केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है। त्रिपुरा के बेलोनिया में लेनिन की इस मूर्ति को बुलडोजर से गिराए जाने पर शुरू हुआ ये विवाद। कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि जीत के नशे में बीजेपी नेताओं ने लेनिन की मूर्ति गिराई, उसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इसके बाद त्रिपुरा के कई इलाकों में बीजेपी लेफ्ट के बीच टकराव की खबरें हैं। त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, ये स्पष्ट है कि उनका रुझान क्या है भाजपा आरएसएस का। लेनिन की मूर्ति गिराने पर नॉर्थ त्रिपुरा के कदम तला में बीजेपी और सीपीएम के समर्थक भिड़ गए। कई झड़पों में 200 लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। हमें विदेशी विचारधाराओं की जरूरत नहीं है देश में। हम कभी भी इन विचारों का समर्थन नहीं करते, स्वीकार भी नहीं करते। मूर्ति गिराने के खिलाफ लेफ्ट ने आज पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन किए। कोलकाता में येचुरी और प्रकाश करात ने भी झंडे लेकर सड़क पर पैदल मार्च निकाला। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण 9 मार्च को सुबह होगा। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण में पीएम भी शामिल हो सकते हैं। त्रिपुरा में तय माना जा रहा था कि 25 साल के कम्युनिस्ट राज को उखाड़ फेंकने का चेहरा विप्लव कुमार देव के सर बंधेगा। विधायक दल की बैठक में यही हुआ भी। विप्लव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ऐलान पर्यवेक्षक नितिन गडकरी ने किया। विप्लव कुमार देव इनका एक मत से नेता विधानमंडल के नेता पद के लिए चयन हुआ है। त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष विप्लव देव बनमालीपुर क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। ये उनका पहला चुनाव था। विप्लव ने कहा कि त्रिपुरा को सुशासन और विकास देना प्राथमिकता है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। अभी जो हिंसा हो रही है उसका रोक पहले मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गवर्नेंस इसमें आता है। त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन ने 43 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी ने अकेले ही 35 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। 16 सीटों के साथ सीपीआई विपक्ष में बैठेगी। मेघालय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार ने शपथ ले ली है। संगमा राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। मेघालय उत्तर पूर्व का चौथा राज्य है जहां अब बीजेपी गठबंधन की सरकार है। शिलोंग में एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संगमा के साथ बीजेपी के एक विधायक समेत 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। We have been very clear on our agenda that we want to focus on good governance. शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अरुणाचल, असम और मणिपुर के सीएम भी शामिल हुए। इसमें भी देश के शेष भागों की तरह भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल रही है और आगे भी कामयाबी मिलेगी। एनपीपी बीजेपी सरकार में 5 पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन ने 10 साल बाद मेघालय में कांग्रेस से सत्ता छीनी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जीत का जश्न आज बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी की बैठक में भी मना। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम मोदी पहुंचे तो उनका स्वागत सिकंदर की तरह हुआ। नेताओं ने अपने नारों में साफ कर दिया कि अब फोकस मिशन कर्नाटक पर है। मोदी को लालकृष्ण आडवाणी ने मिठाई खिलाई। मोदी ने तीनों राज्यों की जीत को ऐतिहासिक बताया। पूर्वोत्तर में अब सिर्फ मिजोरम बचा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। उससे पहले अप्रैल मई में कर्नाटक में चुनाव होने हैं।